जब हम सौरमंडल की सबसे आश्चर्यजनक चीजों के बारे में बात करते हैं तो पाते हैं कि प्लैनेट्स के अलावा भी छोटे प्लैनेट्स होते हैं जिन्हें डॉर्फ प्लैनेट्स कहा जाता है। एक तरह से ये हमारे सौरमंडल के आश्चर्य ही हैं, क्योंकि इन्हें प्लैनेट्स नहीं माना जाता। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी तक के सबसे मिस्टीरियस डॉर्फ प्लैनेट्स सेडना के बारे में। साल 2005 में जब एरिस की खोज की गई तो पूरी दुनिया में एक बहस ही छिड़ गई कि आखिर प्लैनेट्स और एरिस जैसे सेलेस्टिकल बॉडीज में क्या डिफरेंस है, क्या हम प्लैनेट्स को सही तरह से डिफाइन कर पा रहे हैं। बाद में जब इस कॉन्सेप्ट पर काफी चर्चा हुई तो एक निष्कर्ष निकाला गया कि नेपच्यून के बाद पाए जाने वाले सभी प्लैनेट्स जैसे ऑब्जेक्ट्स को डॉर्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। इस तरह से कभी सौरमंडल में प्लैनेट्स की कैटेगरी में गिना जाने वाला प्लूटो भी प्लैनेट्स की कैटेगरी से हटकर डॉर्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में चला गया। जहां 2006 से पहले सौरमंडल में 9 प्लैनेट्स इंक्लूड किए जाते थे, वहीं अब सौरमंडल में सिर्फ 8 प्लैनेट्स ही इंक्लूड किए जाते हैं। आज भी यह कॉन्सेप्ट काफी विवादित है, लेकिन इस टर्म का उपयोग ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। साल 2003 में सेडना को खोजा गया था जो कि एक डॉर्फ प्लैनेट है। यह सूर्य से अभी तक ज्ञात सबसे दूर का ऑब्जेक्ट है जो कि ओर्ट क्लाउड में स्थित है, जो कि अपने आप में ही काफी मजेदार और अचंभित करने वाली खोज है। इस डॉर्फ प्लैनेट की खोज 14 नवंबर के दिन साल 2003 में कैलटेक के माइक ब्राउन ने येल यूनिवर्सिटी के डेविड रोबिनोविट्ज और जेमिनी ऑब्जर्वेटरी के चार्ड ट्रुजिलो के साथ मिलकर की थी। माइक ब्राउन इससे पहले भी कई दूसरे डॉर्फ प्लैनेट्स जैसे कि एरिस, हाउमिया, माके की खोज कर चुके हैं। शुरुआती समय में सेडना का नाम VB12 रखा गया था। इस खोज के लिए 2001 में सैन डिएगो कैलिफोर्निया के पास मौजूद पालोमर ऑब्जर्वेटरी में मौजूद सैमुअल ओशिन टेलीस्कोप का उपयोग किया गया था। जब टेलीस्कोप से वैज्ञानिक सौरमंडल का निरीक्षण कर रहे थे तभी उन्हें सूर्य से करीब 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर एक ऑब्जेक्ट के होने का सबूत मिला। साल 2003 में सेरो टोलोलो इंटर अमेरिकन ऑब्जर्वेटरी और हवाई में WM केक ऑब्जर्वेटरी ने देखा कि इतनी दूरी पर मौजूद यह ऑब्जेक्ट बहुत ही तेजी से अलग ही एक्सेंट्रिक ऑर्बिट में तेजी से घूम रहा है। बाद में पता चला कि इसी ऑब्जेक्ट को इससे पहले सैमुअल ओशियन टेलीस्कोप और जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के नियर अर्थ एस्टेरॉयड ट्रैकिंग कंसोर्टियम के द्वारा भी देखा जा चुका था। इस तरह से वैज्ञानिकों के पास एक ही चीज के अलग अलग ऑब्जर्वेटरी से प्राप्त डेटा भी था, जिसके बाद सेडना डॉर्फ प्लैनेट के ऑर्बिट और उसके ऑर्बिट के आर्क की सटीक कैलकुलेशन की गई। शुरुआत में सेडना का नाम VB12 नाम दिया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम सेडना रखा गया। सेडना समुद्र की देवी इनुइट देवी के नाम पर रखा गया था। इनुइट के बारे में कहा जाता है कि सेडना सामान्य मनुष्यों की तरह ही थी। कहा जाता है कि इनुइट की मौत आर्कटिक महासागर में डूबने से हुई थी, लेकिन महासागर में डूबने के बाद इनुइट अमर हो गई और बाद में वो वहीं रहने लगे और जीवों की रक्षा करने लगे। आर्कटिक महासागर एक ठंडी जगह है, इसलिए ब्राउन और उसकी टीम ने VB12 का नाम सेडना रखा, क्योंकि यह डॉर्फ प्लैनेट सूर्य से बहुत दूर ओर्ट क्लाउड के बर्फीले जोन में मौजूद है। इसका नाम ही इसके बारे में बताता है कि यह ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, जो सूर्य से बहुत ज्यादा दूर मौजूद है। सेडना को प्लैनेट माना जाए या फिर इसे एक डॉर्फ प्लैनेट माना जाए, आज भी यह एक विवाद का विषय बना हुआ है। 24 अगस्त 2006 को IAU की बैठक में फैसला किया गया कि जिस ऑब्जेक्ट का ऑर्बिट स्थायी नहीं है ऐसे ऑब्जेक्ट को प्लैनेट नहीं माना जाएगा। इस तरह से प्लूटो और सेडना को डॉर्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया। इसके अलावा जो प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस में रहता है उसे ही डॉर्फ प्लैनेट माना जा सकता है। हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस का अर्थ है कि प्लैनेट को अपनी गोलाकार या फिर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में सिमेट्रिकल गोल होना चाहिए। सेडना काफी चमकीला है और आकार में भी काफी बड़ा है, इसी कारण से ये कहा जा सकता है कि सेडना पूरी तरह से गोल हो सकता है, इसलिए सेडना को डॉर्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा जा सकता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करते कि सेडना को डॉर्फ माना जाए, क्योंकि उनका मानना है कि सेडना पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूरी पर मौजूद है। इस कारण से इसके बारे में भली भांति अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, और जब तक इसके बारे में अच्छे से नहीं जान लिया जाता तब तक इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि सेडना एक डॉर्फ प्लैनेट है या फिर एक प्लैनेट। साल 2004 में ब्राउन और उनकी टीम ने बताया कि सेडना डॉर्फ प्लैनेट का व्यास करीब 1800 किलोमीटर है,
लेकिन साल 2007 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप से मिले डेटा के आधार पर पाया गया कि इसका व्यास 1600 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन बाद में साल 2012 में एक डेटा फिर से आया जिसने इसका आकार और भी छोटा कर दिया। साल 2012 में हर्शल स्पेस ऑब्जर्वेटरी ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि सेडना का व्यास 915 किलोमीटर से लेकर 1075 किलोमीटर के बीच हो सकता है। इस तरह से साल 2012 के इस डेटा ने इसे प्लूटो के चंद्रमा चारों से भी छोटा बना दिया। अभी भी इस डेटा को अंतिम डेटा नहीं माना जा सकता क्योंकि सेडना पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूरी पर मौजूद है जिसके कारण इसका अध्ययन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ तक कोई भी मानव अभियान आज तक नहीं हुआ है जिसके कारण इसका अध्ययन करने के लिए ऑब्जर्वेटरी से मिले डेटा पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। हो सकता है कि भविष्य में सेडना डॉर्फ प्लैनेट के व्यास में कमी या वृद्धि भी दर्ज की जा सकती है। किसी भी प्लैनेट का मास कैलकुलेट करने के लिए हमें उसके चंद्रमा का पता होना चाहिए, लेकिन सेडना के पास कोई चंद्रमा नहीं है। इस कारण से बिना किसी अंतरिक्ष मिशन के सेडना के मास के बारे में कुछ भी बता पाना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ वैज्ञानिक अंदाजा लगाते हैं कि एरिस, प्लूटो, माके-माके और होमिया के बाद सेडना पांचवां सबसे बड़ा डॉर्फ प्लैनेट हो सकता है। ऐसे ही बात करें यदि सेडना के ऑर्बिट की, जिसमें वह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो यह ऑर्बिट बहुत ज्यादा अंडाकार है। इसका मतलब है कि इसके दो पॉइंट हैं, जहां पर एक पॉइंट पर इसकी सूर्य से दूरी मिनिमम होगी तो वहीं दूसरे पॉइंट पर सूर्य से दूरी मैक्सिमम होगी। सूर्य से मिनिमम डिस्टेंस वाले पॉइंट को पेरिहेलियन कहते हैं। यह पॉइंट सूर्य से करीब 76 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यानी करीब 114 बिलियन किलोमीटर है, तो वहीं इसके मैक्सिमम पॉइंट अपेहेलियन से सूर्य की दूरी 936 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी 140 बिलियन किलोमीटर होगी। इस तरह से इतनी बड़ी अंडाकार कक्षा के कारण सेडना को सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में बहुत ज्यादा वक्त लग सकता है। सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में इसे कितना समय लगेगा, इसके बारे में कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। लेकिन फिर भी वैज्ञानिक अंदाजा लगाते हैं कि सेडना को सूर्य की एक परिक्रमा करने में करीब 10,000 साल से लेकर 12,000 साल तक का वक्त लग सकता है, यानी सेडना का एक वर्ष और पृथ्वी के 10,000 से 12,000 वर्ष बराबर है। अब यदि हम बात करें सेडना के कंपोजिशन की, तो साल 1930 में जब प्लूटो को खोजा गया था तब यह अंतरिक्ष सौर मंडल में मिली सबसे चमकीली वस्तु थी। लेकिन 2003 में सेडना की खोज ने इससे प्लूटो के बाद अंतरिक्ष सौर मंडल में मौजूद दूसरी सबसे ज्यादा चमकीली वस्तु बना दिया है। सेडना के रंग के बारे में माना जाता है कि शायद यह मंगल की तरह लाल रंग का होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद सेडना का लाल रंग यहाँ पर मौजूद हाइड्रोकार्बन या फिर थोलिन के कारण हो सकता है। जिस तरह से आंतरिक सौरमंडल में रहने के कारण पृथ्वी के चंद्रमा को बहुत सी उल्काओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन सेडना को इस तरह से हर समय उल्काओं का सामना नहीं करना पड़ता। अब आप सोच रहे होंगे कि वैज्ञानिकों को इसके बारे में कैसे पता चला, किसी प्लैनेट पर उल्काओं की कितनी बारिश होती है। इस बात का अंदाजा उस प्लैनेट पर मौजूद धब्बों को देखकर लगाया जा सकता है। सेडना पर चांद की तरह धब्बे नहीं मिले, इसलिए यह माना जा सकता है कि यहाँ पर बर्फीली उल्काओं की इतनी बारिश नहीं होती। बात करें यहाँ के तापमान की, तो ऊट क्लाउड और सेडना ड्वार्फ प्लैनेट का तापमान -240.2 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी ये कहा जा सकता है कि यह प्लैनेट्स ठंड में पूरी तरह से जमा हुआ है। सेडना को सही तरह से समझने के लिए इसके स्पेक्ट्रम की तुलना ट्राइटन से की गई और सेडना के लिए मॉडल तैयार किया गया, जिसके अनुसार सेडना पर 24% ट्राइटन पर पाए जाने वाले थोलिन, 7% एमोर्फस कार्बन, 10% नाइट्रोजन, 26% मेथिनॉल और 33% मीथेन की मौजूदगी का अंदाजा लगाया जाता है। वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया है कि सेडना की सतह पर नाइट्रोजन की उपस्थिति हो सकती है। यदि ऐसा है तो ये कहा जा सकता है कि सेडना पर कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन यहाँ पर एक कमजोर एटमॉस्फेयर की मौजूदगी हो सकती है। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते समय जब सेडना पेरिहेलियन पॉइंट के आसपास होता है तो करीब 200 सालों तक इसका तापमान -237.6 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस टेम्परेचर पर सेडना की सतह पर मौजूद नाइट्रोजन की बर्फ पिघलकर वेपोराइज हो सकती है। ऐसे ही इंटरनल हीटिंग मॉडल की माने तो सेडना पर पानी के विशालकाय महासागरों की मौजूदगी हो सकती है। अब सवाल यह आता है कि सेडना का निर्माण इसी ओट क्लाउड के अंदर हुआ था या फिर इसका जन्म कहीं और हुआ हो और यह बाद में किसी कारणवश यहाँ तक पहुँच गया हो। इस सवाल के जवाब में वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि ये माना जाए कि सेडना आज भी अपने उसी स्थान पर मौजूद है, तो इसका मतलब है कि सूर्य को और सभी प्लैनेट्स को जन्म देने वाली बेसिक प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क लगभग 75 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक फैली हो सकती है।
साथी वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि शुरुआती दौर में सरना का ऑर्बिट आज की तरह बहुत ज्यादा अंडाकार नहीं होकर पूरी तरह से गोल रहा हो, क्योंकि यदि यह माना जाए कि सरना का ऑर्बिट आज की तरह अंडाकार था तो इसके जन्म की संभावनाएं नजर नहीं आती, क्योंकि शुरुआती ब्रह्मांड बहुत ज्यादा उथल पुथल से भरा हुआ था। यदि यह माना जाए कि सरना का जन्म छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के इकट्ठा होने के कारण हुआ है तो यह थ्योरी पूरी तरह से गलत हो सकती है, क्योंकि छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जिस तेजी के साथ आपस में टकराते हैं उस तेजी पर किसी नए प्लैनेट्स के जन्म की संभावना तो पूरी तरह से खत्म ही हो जाती है। इसलिए यह माना जाता है कि इसका जन्म कहीं और हुआ था और किसी दूसरे प्लैनेट के पावरफुल ग्रेविटेशनल पुल ने इसे अपनी तरफ खींचा होगा, जिससे यह प्लैनेट अपने ऑर्बिट को छोड़कर ओर्ट क्लाउड का हिस्सा बन गया होगा। अभी भी वैज्ञानिक निश्चित तौर पर इस सवाल का जवाब नहीं जानते कि आखिर सरना का जन्म कहां और कैसे हुआ, लेकिन वे तीन संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। पहला ये कि सरना का जन्म काइपर बेल्ट के बाहर हुआ हो, या फिर इसका जन्म एक सिंगल पासिंग स्टार के रूप में हुआ हो, या फिर सन के क्लस्टर में इसका जन्म हुआ हो। लेकिन कुछ भी हो, हमें अभी इस प्लैनेट्स के बारे में और ज्यादा जानकारी की आवश्यकता है। लेकिन समस्या ये है कि इसका ऑर्बिट काफी बड़ा है, इसलिए यदि यहाँ तक कोई अंतरिक्ष मिशन भेजा जाए तो हमें उस दिन का इंतजार करना होगा जब यह हमारे सबसे करीब से गुजरे। यदि हम उस मौके को चूक जाते हैं तो हमें लगभग 12,000 साल का लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि तब यह हमारी कैपेसिटी से भी काफी बाहर चला जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।